आज रायबरेली उत्तर प्रदेश के दीवानी कचहरी बस स्टॉप के पास टीवी वन इंडिया न्यूज आजाद भारत की आवाज का ब्यूरो कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि सोमवार की दीवानी कचहरी के अधिवक्ता शशिकांत शुक्ला, एडवोकेट पूर्व सदस्य सुरेंद्र कुमार त्रिवादी, विकास त्रिपाठी, अमित कुमार गोविंद, बहादुर सिंह आदि लोगों के कर कमलों द्वारा किया गया। हमारे बीच अधिवक्ता गण की टीम और टीवी वन इंडिया न्यूज आजाद भारत की आवाज के उत्तर प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र कुमार, संवाददाता राजेश कुमार मौर्य, कैमरामैन अवधेश तिवारी, ब्यूरो चीफ आकाश तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। इस मौके पर महाराजगंज संवाददाता अरविंद मौर्य, मोहम्मद साकेत, पत्रकार अल्केश कुमार, मुकेश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आकाश तिवारी की रिपोर्ट, रायबरेली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी की नाक के नीचे फर्जीवाड़ा चल रहा है। जी हां, हम बात करें मध्य प्रदेश के ग्वालियर जनपद, जहां पर जोज में डॉक्टरों के हंगामे के बाद कल डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई। वहीं सभी डॉक्टर जीएच परिषद में धरने पर बैठे थे। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस व फोर्स और विधायक प्रवीण पाठक और मुन्ना लाल गोयल भी मौके पर पहुंचे और डॉक्टरों से बातचीत करने लगे। यहीं आपको बता दें कि मोती महल मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डिस्पेंसरी पर फर्जी मेडिकल बनाए हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो जो चौहान साहब है या मोती महल पर जो कि डिस्पेंसरी है वहां पर बैठते हैं, एक मेडिकल बनाने में 300 से 500 रुपए लेते हैं। जब हमारी टीम ने अपने ही पत्रकार भाई को मेडिकल बनवाने के लिए भेजा तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, क्यों, नाम और नंबर, कहां रहते हो, और न ही कोई डॉक्टर का पर्चा, न ही कुछ और पूछा। जब हमारे बंदे ने पैसों की पूछी तो उन्होंने बोला कि 500 रुपए लगेगा और आपका काम हो जाएगा। तब हमारे बंदे ने कहा कि 500 नहीं 300 है। उनका कहना था कि ठीक है 3 बजे तक मेडिकल ले जाना। इसकी जानकारी हमने CMHO साहब को भी दी तो उन्होंने इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए बताया कि हमें आप सभी से काफी उम्मीदें हैं और हम जरूर ही इस पर अच्छे से कार्रवाई करेंगे और निष्पक्ष जांच भी करेंगे। तीन बजे करवा देना बाबू। नंबर क्या बना? मोबाइल नंबर लिख लो मेरा 9862 6 9 6 9 4 0 2 4 0 2 62 64 ठीक है, आप फ़ोन करोगे मैं आ जाऊँ। 3 बजे तक आएंगे यहीं से ले जाऊँ। ठीक है, 200 दे दीजिए, 100 में आकर दीजिए। टी वन इंडिया न्यूज के लिए रोहित राठौर की रिपोर्ट, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर नगर निगम विद्युत विभाग की सिटी सेंटर पर एक कर्मचारी अपने अधिकारियों से परेशान है, जिसका नाम इरशाद हुसैन है। लाइनमैन ने इसने अपने सीनियर अधिकारियों पर केवल सिंह यादव, देवी सिंह राठौर सहायक यंत्री पर आरोप लगाए। सुनिए उसका वीडियो, उसी की जुबानी। कहाँ काम करते हो? नगर निगम। नगर निगम, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत है मुझे देवी सिंह राठौर द्वारा और केवल सिंह द्वारा लोगों परेशान किया जा रहा है। किस तरह की परेशानियाँ दी? शहर से दूर बार बार ट्रांसफर करना, मेरा सर्विस रिकॉर्ड बिगाड़ना, मेरा आड़े दिन वेतन काटना, भरी आईडियों पर मेरा क्रॉस लगाना, अथवा मेहनत जरूरत पड़ने पर ACO का काम करवाना, उसके बाद मुझे ACO से हटा देना। फिर जहाँ शहर के अंदर जो बाढ़ सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से होता है, गंभीर एरिए का होता है, वहाँ मेरे को पहुँचाना, वहाँ भी अपनी ईमानदारी से नौकरी करना। ऐसा दबाव क्यों मनाया जा रहा है, क्या कारण क्या है? कारण मेरे से कोई जास्ती रंजिश रखी जा रही है। क्या रंजिश रखी जा रही है? जान से मारने की धमकी देना, कई बार नशे नहीं खेच देना, गाड़ी से पटक देना। मतलब जान से मारने की जो धमकी है वो कौन दे रहा है? केवल सिंह द्वारा दी जा रही है। क्यों, क्या कहते हैं? क्या इसको जान से पटक देना, इसकी नोटशीट लिखो, बार बार नोटशीट लिखो। तो ऐसा मतलब पूरा ये व्याख्या जो आपने सुनाया, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है? ऐसा कारण मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा, जबकि मैं हर काम से, हर चीज़ से एक्टिव और काम में मैं एक्सपर्ट हूँ। तो वहाँ के जो देवी सिंह राठौर साहब है जो, उनसे आपने कही? मैंने उनसे शिकायत की, श्रीमान पचौरी जी से भी मैंने कई बार निवेदन किया अथवा शिकायत भी की। श्रीमान जी द्वारा मेरे साथ में कोई भी निराकरण नहीं लिया जा रहा, और मैं इससे आर्थिक स्थिति और आर्थिक परिवार रूप में मैं काफ़ी परेशान हो रहा हूँ, जिससे मेरे को परिवार चलाने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा निवेदन करते हुए
जॉनी लेटर मेरे को श्री केवल सिंह के वार्ड से हटा करके, उनके हैंडओवर से हटा करके अदरवाइज मुझे किसी भी वार्ड के अंदर कहीं भी किया जाए, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो नहीं करेंगे तो? नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या का मामला करूँगा और आत्महत्या करने की यह लूँगा, जो घुट घुट के तिल तिल से मर रहा हूँ, जो मैं अपने परिवार को अपने बच्चों को पाल नहीं पा रहा हूँ। उसकी जवाब श्रीमान जी द्वारा मेरे को बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं। किन किन के द्वारा? देवी सिंह राठौर श्रीमान जी और अब केवल सिंह जी द्वारा। तो इसका इसकी जवाबदारी पूरी किसके ऊपर रहेगी अगर आप आत्मदाह करोगे तो? इसकी जवाबदारी देवी सिंह राठौर और केवल सिंह जी द्वारा रहेगी, जिससे मैं कई बार भविष्य में पूर्व में भी मैं इनको आगाह कर चुका हूँ, कई बार मैं निवेदन भी कर चुका हूँ। श्रीमान जी मैं हर चीज़ में सक्षम हूँ, जहाँ इनको जरूरत पड़ती है, कोई भी आपातकालीन पड़ती है, फायर ब्रिगेड से लेकर के किसी भी कार्य तक मैं कुछ चीज़ से सक्षम रहता हूँ। इसके बाद भी मेरे साथ में हथ व्यवहार किया जा रहा है। दो बार मेरे को ग्रामीण लेटर जीप से हादसा होते से भी बचा, जिसमें धर्मेंद्र राठौर और श्री पचौरी जी के सामने ये घटना घटित हुई। आपको मारापीटी भी कही गई थी? मेरे केवल सिंह के इशारे पर मेरे संग में मारापीटी भी करवाई गई है। कहाँ कर कहाँ कहाँ करवाई गई थी? ऑफिस के अंदर। ऑफिस के अंदर जिसके द्वारा उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रोहित राठौर की रिपोर्ट, ग्वालियर। लखनऊ में इन दिनों बिजली न आने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद लखनऊ की, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी। अगर ऐसे में सोचा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में 10 से 12 घंटा हो जाए और लाइट न आए तो जनता कितना परेशान होगी। एक तरफ सूबे की योगी सरकार 24 घंटे बिजली देने का वादा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो 12-12 घंटे हो जाते हैं और बिजली नहीं आती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ के दुबग्गा पावर हाउस की, जहाँ पर LDA कॉलोनी में दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 11:12 तक लाइट नहीं आती, बिजली नहीं आती है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। लोगों को खाना बनाने से लेकर पीने के पानी को लेकर हर प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीण जब अधिकारियों के पास अपनी शिकायतें लेकर जाते हैं तो अधिकारी उनकी परेशानी सुनने के बजाय उनको 2-4 बातें सुनाते हैं। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के दुबग्गा पावर हाउस की, जहां पर जनता ने जाकर धरना प्रदर्शन किया कि लाइट नहीं आने की वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी जनता की किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जनता ने परेशान होकर पुलिस को बुलाया। पुलिस के आने पर बिजली विभाग के बहुत सारे कर्मचारी भाग गए। दुबग्गा में यहाँ पे लाइट की दिक्कत है, यहाँ पे जो आपका पावर हाउस में यहाँ पे आदमी है, जही साहब है, उनसे हम लोग ने बात नहीं करी, वो आ नहीं रहे हैं सामने, फेस टू फेस बात नहीं करना चाह रहे, फोन नहीं पिक कर रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? कई घंटे से लाइट नहीं आ रही है, कितने घंटे से लाइट नहीं आ रही? 2 बजे से लाइट नहीं आ रही है, लाइट बच्चे भी लग रहे हैं, खाना पीना हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, हर चीज डेली यहाँ आए हैं, यहाँ फेस टू फेस कोई बात नहीं करना चाहता। कई दिन से ये बवाल चल रहा है, हम लोग हर मंथ बिल पे कर रहे हैं, डे टू डे बिल पे कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई लेट है, फेस टू फेस बात नहीं करते, यहाँ जो भी अधिकारी कर्मचारी है वो बात नहीं करना चाहते, अक्सर का यही है, डेली का रात में परेशान हो रहे हैं, बच्चों को लेके हम कहाँ जाएंगे, बता देते हैं सर, यहाँ तो बात नहीं करते, यहाँ तो बात नहीं करे, हम लोग कहाँ जाए आगे भाई, तो वक्त में हम लोग पावर हाउस में आए हैं। यहाँ पे समस्या ये यहाँ की ये है कि जय साहब को कहा जाए तो कहते हैं STO साहब से बात कीजिए, STO साहब से कहा जाए तो कहते हैं एक्सएल से बात कीजिए, और जब यहाँ पर रात में मुसीबत होती है हम लोग यहाँ आते हैं, जय साहब को फोन मिलाओ, STO को मिलाओ, फोन उठाया नहीं जाता। जय साहब का नाम वगैरह कुछ पता है आपको? जय साहब का नहीं, STO साहब का नाम पता है, विवेक तिवारी जी, विवेक तिवारी नाम जी, और जय साहब एक मिश्रा जी हैं, इनका नाम याद नहीं आ रहा, तो इन सबको फोन मिलाने पर भी फोन रिसीव नहीं किया जाता है, और समस्या ये बताई जाती है कि जब ट्रांसफार्मर फूका या लाइन शॉर्ट हो गई तो लाइट का टाइम लगेगा, मतलब होता कुछ नहीं है, समस्याएं गिना दी जाती है, करते कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, मतलब ये खाली लोगों को ये बताया जाता है, ये कहेंगे वहाँ पर बिजली चोरी होती है, महीने टू महीने बिलिंग करा ले, बिलिंग ऐसा मिल आता है, महीने टू महीने ₹1,000 मिल रहा है, एक एक आदमी का ₹1,000 बिल आ रहा है, खाली मूल बिल बनाया जा रहा है, न तो हमको पत्ती टाइम से मिलती है न कुछ, आधा दिन ये 4 घंटा लाइट अगर परमानेंट अभी हम लोग के पास आते नहीं है, साहब से बात करिए, वो कहते हैं एशियन साहब से बात करिए, अभी मैंने एशियन साहब से बात की, अगर आप इनसे लोगों से बात करते हैं तो क्या जवाब देते हैं? ये कहते हैं मैं इसकी समस्या हल करवा रहा हूँ, हल नहीं।
नहीं होती है। लिखित में कंप्लेंट दी गई, लिखित में कई महीने से दो तीन महीने से हो गया, तीन महीने से लिखित कर चुका हूँ। 26 तारीख में लिखित हमारी कंप्लेन है कि हर 15 मिनट बत्ती काट जाती है। क्यों काटी जाती है? हर 15 बत्ती काट देते हैं, 5 बत्ती देते हैं, बत्ती काट देते हैं। दिन भर में अगर 4 घंटा आएगी तो आठ बात करते हैं उनसे। आज सुबह बात हुई, कह रहे मेरा ट्रांसफर हो गया है। आप SDO से बात करिए, SDO फोन नहीं उठा रहे हैं और जेई भी फोन नहीं उठा रहे हैं। आप यहाँ पे जब आए तब यहाँ जेई साहब कोई आपको मिला? कोई नहीं मिला। एक आदमी कह रहा है बाकी दादी छुट्टी में है, आज संडे है, आज कोई काम नहीं होगा। पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जनता परेशान है, उसके लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ खाली जनता मर रही है। हम लोग सुबह से पानी के लिए यही तरस रहे हैं, एक बूंद घर में पानी नहीं है पीने के लिए, नहाने के बाद छोड़ देंगे। आप लोग कई घंटे से यहाँ पे हैं? मैं इसके लिए नगर निगम से कि वहाँ पर तार सही कर दिया जाए जैसे बत्ती सही गए, वो भी कोई काम नहीं उनका। ना नगर निगम डाली सीवर, कोई भी समस्या का हल नहीं है। सब जगह लिखित दे चुका हूँ, 4 साल हो गए NDA को, हम लोगों को उसको टूटा को बेटा बता दिए, 4 साल हो गए कब्जा दिए हुए, अभी तक वो पानी नहीं दे पाए हम। रोड नहीं बनाया है, इतनी गंदगी है, सफाई वाला नहीं आता है। ना कोई सफाई वाला आता है, कोई भी नहीं कहीं आता है। सवाल है जी, मैं 4 मंजिला में रहता हूँ जी, लाइट की इतनी समस्या है, लाइट आती ही नहीं समझ लीजिए। अच्छा सही बात है। जैसे जैसे लोग आदमी कनेक्शन कराता है जी जी, चलो बिजली मिलेगी, तो लगता है जैसे 24 घंटे में 4 घंटे लाइट देकर एहसान करते हैं पब्लिक ऊपर। इनको लगता है कॉलोनी वाले जंगली इंसान ही नहीं है। हम लोग आवास विकास की लाइट नहीं जाती है, गांव की लाइट नहीं जाती है, केवल कॉलोनी की लाइट जाती है। अभी देखना यार, नहीं जो सुनवाई करते हैं ना तो जी कोई सुनने वाला नहीं है। और टाइमली बिल हम लोग भरते हैं। अभी उनसे कहा जाए, कहते हैं जेटा का फीडर से, अरे जेटा का फीडर बिजली विभाग उसका रास्ता निकाले ना, को अलग करिए, नहीं तो हमारा फीडर चेंज करिए। आप जय साहब से संपर्क आपने किया है कि कई बार में क्या जवाब दिया उसने? एक और टालने की बात होती है, बट टाल देते हैं बस। नहीं नहीं करेंगे नहीं, आश्वासन देते हैं बस, काम कोई नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं हो रहा। देख लीजिए गंदगी इतनी, देख लीजिए कोई सफाई वाला कोई नहीं आता है रोड के ऊपर। इंडिया न्यूज के लिए विजय मिश्रा की रिपोर्ट, लखनऊ।